सिवान लोकसभा सीट से इतनी प्रत्याशियों ने किया नामांकन, सिवान सीट पर टिकी है सबकी नजर। 7 प्रत्याशियों ने कर लिया नामांकन, होगा महायुद्ध। जी हां, जिले में छठे चरण में होने वाले 18 सिवान लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसमें 5वें दिन 6 अभ्यर्थियों ने, अभी तक 7 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता के समक्ष दाखिल किया। इसमें एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी ने 4 सेट में, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी से महेंद्र सिंह उर्फ महेंद्र राय ने 1 सेट में, भारतीय लोकनायक पार्टी से संजय कुमार शाह ने 1 सेट में, निर्दलीय प्रकाशमणि तिवारी, देवकांत मिश्रा और बसपा से दिलीप कुमार सिंह ने नामांकन किया। गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए प्रत्याशी के नामांकन सभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान, लेसी सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जदयू प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने भाग लिया। इधर नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर तैनात रहे पुलिसकर्मी पदाधिकारी प्रत्याशी के साथ प्रस्ताव के अलावा अधिक लोग समाहरणालय के अंदर प्रवेश नहीं कर सके, इसको लेकर मुख्य गेट पर पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी तैनात रहे। समाहरणालय के अंदर सिर्फ अभ्यर्थी और प्रस्तावक को ही प्रवेश कराया गया। इधर डीआरडीए गेट पर भी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात दिखे। पूर्व निर्धारित प्रवेश और निकासी मार्ग से ही अभ्यर्थियों को आना और जाना पड़ा। इधर नामांकन को लेकर शहर में यातायात व्यवस्था नहीं चरमराए, इसको लेकर भी पदाधिकारी और पुलिस बल तैनात रहे। जानकारी के लिए बता दें कि 25 मई को सिवान लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। देखना यह होगा कि सिवान का सरताज किसको चढ़ता है।